ये देखो गाइस, इसने तो सारी दीवार ही काली कर दी। ये देखो यहाँ पे भी इसने काली कर दी। मेरे को लगता है कि इसका इंजन सीज हो गया है, काम हो गया भाई इसके इंजन का, मेरे को लग रहा है अब। अगर आपने कभी सुनना हो ना कि ये लीक करता है इसका बैंड या नहीं, सिंपली ऐसे कर लेना, साइलेंट, कोई टिक टिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ज्यादा देर मत करना, इंजन का काम कर देगा। यहाँ से भी देखो, मैं अगर गर्म होगा तो ये देखो भाई, मेरे को लग रहा है कि इसका काम हो गया है। ये अभी मैंने यहाँ पे भी किया था, ये देखो आगे 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 गाइस, मम्मा आ गए। मम्मा तो बूट भी ला ला, बूट आगे थोड़े ना लगेंगे, मैं भाई बस चला को देना, कुछ ना ना चला, कुछ नहीं भाई चला, तो यही स्टॉल खोल लेंगे भाई, खुद इनकम इनकम आएगी भाई। एक लड़की भी रख लेंगे। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई सुनने में आया कि 2024 में कंट्रोवर्सी सी काफी ज्यादा चल रही है, कहते हैं व्यूज काफी ज्यादा बढ़ते हैं इससे, हमसे भी भाई को कर लो, हमारे भी व्यूज बढ़ा दो थोड़े से। भाई साहब टाइम हो रहा है 9:05, नहीं 6 मिनट, ये देखो 9:06, और भाई साहब भूख इतनी ज्यादा लग रही है ना, और मम्मा अभी पाठ कर रहे हैं, उनको टाइम लगेगा, कसम से पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। गाइस अभी ना मैं जब मम्मा पार्ट करके आएंगे ना, तो मैं बाहर जाऊंगा और उनको मैं कहूंगा मम्मा मैंने ना नए शूज ऑर्डर करने हैं, देखना मम्मा कितने चिढ़ते हैं। गाइस लिटरली मेरे पास ना 7 से 8 जोड़े हो गए शूज के और मैं जैसे ही नाम लेता हूँ ना कि मम्मी मेरे को ये शूज पसंद आ रहे हैं, मैं इसे ऑर्डर करूंगा, भाई मम्मी इतना ज्यादा डांटती है ना, मतलब कि बेलना पकड़ के मारने को, तो कहते हैं तू रुक जा अभी तेरी मैं हड्डी तोड़ती हूँ। शूज का नाम सुन के इतना अभी चिढ़ते हैं ना, क्योंकि मेरे को ना एक्चुअली व्हाइट शूज काफी ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है, और व्हाइट शूज मैं पहन लेता हूँ, लेकिन मैं ना धोता धोता है नहीं उसे, मम्मा धो देते हैं, ठीक है, मैं तो धोता नहीं उसे, अभी कभी कमेंट में कहेंगे कि भाई कैसा है तू, तो गाइस धोता तो मैं है नहीं उसे, ठीक है, और मम्मा ना गालियां निकालते हैं कि व्हाइट शूज इकट्ठे करी जाता है, धोता धोता है नहीं है। भाई साहब इसी चक्कर में आकर ना मैंने कितने शूज ऑर्डर कर लिया है कि हाँ ये पुराने हो गए, अब ये गंदे लगने लग पड़े हैं, नए ऑर्डर कर लो, फ्लिपकार्ट पे सेल लगी हुई है, 500 के शूज मिल रहे हैं, 600 के शूज मिल रहे हैं, ऑर्डर कर लो। भाई इसी चक्कर में आगे पता नहीं कितने के शूज ऑर्डर कर लिए मैंने। सो गाइस जब मम्मा पाठ करके आएंगे ना, मैं तब बाहर जाऊंगा और मम्मा को कहूंगा देखना शूज लेने, आप भी सुनना मम्मा कैसे डांट लगाएंगे। अपना पोपट खुद करवा रहा हूँ गाइस मैं। भाई साहब मम्मी को तो टाइम लगेगा अभी, मैं सोच रहा हूँ बनाना शेक बना के पी लो। सबसे पहले गाइस हम लेंगे केला और इसको इसमें डालेंगे, हम लेंगे केला, भाई कितनी गंदी वाली यूज करता हूँ मैं, कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। हम नहीं लेंगे गाइस, मिक्सी में देंगे, भाई गंदा मत सोचो, ठीक है ना, अश्लील हो आप। सो भी बनाएंगे बनाना शेक, थामा भाई थामा, रुक जा और रुक जा भरावा और रोक जा, माई पेशेंस लेवल इज वेरी लो गाइस, रुकेगा, रुक गया रुक गया रुक गया भाई रुक गया, चलो यो यो ये देखो, चलो इसके बीच में गाइस दूध, बनाना शेक भेज दूंगा गाइस आपके, और भी बनाना शेक, कुछ ना ना चला, कुछ नहीं भाई चला, तो यही स्टॉल खोल लेंगे भाई, इनकम इनकम आएगी भाई। एक लड़की भी रख लेंगे, डार्क हो गया डार्क, ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं, लड़की रख लेंगे, फिर देखना कैसे चलता है, ऐसे ऐसे भी एक ही चीज है। और भाई एक चीज और, शुगर मत डाला करो, ठीक है, अगर कुछ भी बना रहे हो ना तो शुगर मत डालना, अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, देख लो शुगर का नतीजा देख लो, ठीक है, मत डाला करो। ये देखो भाई बन गया बनाना जी एक, अभी हम डालेंगे इसमें और दूध, ठीक है, बस बड़ा है, मैंने अकेले ने पीना है, इसको रख दो फ्रिज में, खुल जाओ जुम जुम। लो भाई बन गया बनाना शेक, आ जाओ गाइस पीते हैं, चीयर्स। 2 hours later
आ गए गाइस, मम्मा आ गए। मम्मा अभी जाना, रखिए शूज की बात करूंगा मैं। अम्मा कपड़े लेने हैं यार, मैं है कपड़े तो बूट भी ला ला। किथे हो तो चिट्टे किथे रह गए थे, खराब हो गए थे यार। ब्लैक ला ला। आप कमेंट होता ना अगर आपके वहां भी ऐसे ही होता है तो। बाहर गए अभी, बाहर गए बाहर। गाइस गाला गुला खाते रहा करो, तो घर जा तो प्यार होता है। सो गाइस आज का व्लॉग है कि भाई बुलेट में ना दिक्कत आ रही है। एक तो मैंने कल बता दी थी, ठीक है, वो स्पार्किंग वाली, वो तो अभी ठीक हो गई है। जो मैंने इसकी लाइट लगाई थी ना उसकी वजह से ही थी, अब तो वो ठीक हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी दिक्कत आ रही है गाइस इसके इंजन में, उसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, इंजन में दिक्कत आ रही है। आप में से काफ़ी भाइयों ने मेरे को बताया भी था कि आप इंजन का काम करवा लो, ये होगा वो होगा। मैंने अभी एजेंसी में चेक नहीं करवाया, एक बार तो मैं एजेंसी में भी चेक कराऊंगा। एक भाई ने ये भी कहा था कि एजेंसी से मत करवाना, बाहर से करवाना। हाँ गाइस वो बाहर से ही करवाऊंगा अगर कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी एक बार एजेंसी में तो चेक करवाना बनता है ना गाइस। मेरे को जहाँ तक लगता है, मैंने ना पापा को भी बताया था कि यार ऐसे दिक्कत कर रहा है बुलेट, उनको भी बताया था। वो कहते हैं कि हो सकता है कि तूने जो सलेंसर और बैंड पाइप चेंज किया हुआ है ना, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। बाकी गाइस अभी कुछ कह नहीं सकता कि किस वजह से दिक्कत आ रही है। आप सभी लोग कह रहे होंगे यार दिक्कत आ रही, दिक्कत आ रही, दिक्कत आ रही, बोली आ रहा है, लेकिन आ कौन सी रही है। सो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। पहला लौंडा हूँ गाइस, इतनी खुशी से बता रहा हूँ, खुशी देख रहे चेहरे में, इतनी खुशी से बता रहा हूँ कि मेरे बुलेट में दिक्कत आ रही है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ओ भाई उठ जा गाइस, मेरे को समझ नहीं आता बुलेट ही ज़्यादा भारा हो गया है जब मैं ही ज़्यादा सोल हो चुका हूँ। अब ना मेरे को भारा भारा लगता है। जस्ट किडिंग गाइस, जो आना डोलो में जान। सो भाई जिन भाइयों को भी नहीं ना पता उनको मैं बता दूं कि मेरा बुलेट है 2022 मॉडल, 2022 मॉडल BS6 EFI सिस्टम वाला। ये जो नया स्प्लेंडर की तरह आ रहा है ना, वो वाला नहीं, दूसरा मॉडल जो इसका पुराना मॉडल आता था, वो वाला बुलेट है मेरे पास, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या आ रही है। चलिए गाइस साइड पे मैंने बुलेट लगा दिया है क्योंकि इसकी दिक्कत आ रही है इंजन में से, ठीक है। अब इंजन में से दिक्कत आ रही है, ये देखो ये दीवार आप देख रहे हो, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो ये दीवार अभी प्रॉपर प्लेन है ना, मतलब जो इसका कलर है वैसी है ना। अभी मैं इसे स्टार्ट करूँगा, गियर में तो नहीं, नहीं नहीं गियर में नहीं, ठीक है। अभी मैं इसे स्टार्ट करूँगा गाइस। मैंने लगवाया हुआ है फ्री फ्लो बैंड और छोटा पंजाब जिसे कहते हैं शॉर्ट बोटल वाला साइलेंसर, ठीक है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको दिक्कत बताता हूँ क्या दिक्कत कर रहा है ये। ये देखो जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, देखना ठंडा नहीं पड़ा हुआ था, मैं इसे चला कर आया था सुबह का, ठीक है। अभी मेरे को कमेंट में मत कहना कि तुमने खड़े बुलेट के किक मार के और इस वजह से करना शुरू कर दिया। ये देखो वो दिख रहा है आपको, इसने काला कर दिया, ठीक है। वहां पे किया मैंने एक दिन, यहाँ पे भी इसे खड़ा कर दिया था, सेम चीज ये दिख रही है, यहाँ पे भी किया था मैंने। ये देखो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार ये कर क्या रहा है, इसमें से कार्बन ज्यादा निकल रहा है या फ्री फ्लो होने के कारण ये ज्यादा हो रहा है। गाइस जो इसके बीच में से निकलता है ना, वो गाइस धुआं नहीं है, ये धुएं की वजह से काला नहीं हुआ, वो ना एक चिपचिपा सा तेल से जैसे ब्लैक ब्लैक सा निकलता है, उसकी वजह से ये काला कर रहा है सब कुछ, ठीक है। अभी कहीं ये मत कहना कि भाई ये धुएं की वजह से काला हो रहा है, जो इसके धुएं से नहीं हो रहा, ये जो कोई चिपचिपा सा निकलता है। कल मैंने इसके पीछे फोन भी किया था वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसने फोन को भी सारा गंदा कर दिया। गाइस मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, या इसका इंजन सच में होने वाला है जैसे कई कहते हैं कि इसका इंजन होने वाला है, मेरे को समझ नहीं आ रही। वैसे गाइस इंजन इसका हो नहीं सकता क्योंकि देखो 2 साल हो चुका है बुलेट को लिए हुए और इसका किलोमीटर देखो सिर्फ 5980 किलोमीटर चला हुआ है। गाइस आप खुद ही बताओ कि अगर 6000 से भी कम कोई बाइक चली हो और उसका इंजन हो सकता है, मैं नहीं गाइस ये मानता, ठीक है। इसलिए मैं ना कल लेकर जाऊंगा एजेंसी में और एजेंसी में चेक कराऊंगा कि ये क्या दिक्कत है। अगर आपको पता है कि ये क्या दिक्कत है
और क्यों है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये इंजन इसका सीज़ होने वाला है या इंजन में कोई दिक्कत है ना मेरे को तब भी बताना, ठीक है। इंजन ऑयल का तो गाइस मेरे ख्याल से वो भी ये देखो कम ही रह गया है ना, मेरे को लगता है कि मेरे को चेक करवा ही लेना चाहिए, ठीक है। सो चल कल मैं जाऊँगा, ठीक है, और इसका सब कुछ चेक करवा कराऊँगा कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। और बीच बीच में से ना ये मिसिंग भी कर रहा है अब, इसलिए कल मैं जाऊँगा और इसकी दिक्कत चेक करवा कराऊँगा। सो गाइस प्लीज़ फॉलो कर लेना, कल वाला व्लॉग एजेंसी में होगा सारा कि हाँ इसमें क्या काम हुआ और क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी भाई होंगे जिसमें ये दिक्कत आ रही होगी। मैंने YouTube में भी सर्च किया है लेकिन वो दूसरा करते हैं कि जो ब्लैक कलर का धुआं नहीं मारता वो बताते हैं कि उसका ये सलूशन है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि इसका क्या हल हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं एजेंसी में जाऊँगा और इसकी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। और गाइस ये उन भाइयों के लिए जो कह रहे हैं कि उन्होंने सेकेंड हैंड बुलेट लेना है, भाई बुलेट लो सेकेंड हैंड ज़रूर लो, ठीक है, लेकिन भाई एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसकी कंडीशन अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि बुलेट आप सभी को पता है कि बुलेट एक ऐसी चीज़ है जैसे जितना ये रफ़ चलता है ना उतना कोई बाइक नहीं चलती, क्योंकि रफ़ एंड टफ़ के लिए बना हुआ है, इसलिए लोग इसको काफ़ी रफ़ एंड टफ़ भी चलाते हैं, ठीक है। इसलिए जब भी बुलेट लें अच्छे से उसका इंजन चेक करें, ठीक है, उसका किलोमीटर चेक करें कि जो विद रिकॉर्ड इतना चला हुआ है या मीटर बैक तो नहीं किया हुआ, ऐसी मतलब चीज़ें ज़रूर चेक करें, ठीक है। और ये भी देख लें जो है जो मेरे में दिक्कत आ रही है, दिक्कत है क्या है ये अभी तो मेरे को पता नहीं है, हो सकता है कि ये फ्री फ्लो के कारण भी हो सकता है कि ये चीज़ हो, मैंने आज ही नोटिस की हो, मतलब आज नहीं मतलब थोड़ी देर से नोटिस की हो, पहले भी ये चीज़ हो सकता है कि नई शुरू हुई हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए जो भी सेकेंड हैंड बुलेट ले रहे हैं, जैसे जस्सी भाई कह रहे हैं कि सेकेंड हैंड बुलेट लेना है, सो इन बातों का प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। मैं ना आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, अगर आपने सेकेंड हैंड बुलेट लेना है ना तो किसी आर्मी वाले पर्सन का या बैंक वाले का लेना, ठीक है, क्योंकि उससे ना उससे अच्छी कंडीशन बुलेट की ना आपको कहीं पे नहीं मिल सकती यार। उन्होंने ना बुलेट को ऐसे चलाया होता है जैसे महाराजा नहीं चलाते थे पुराने टाइम में, मतलब पोले पोले से वैसे चलाते हैं आर्मी वाले बंदे और बैंक वाले, मैंने खुद देखे हुए हैं। स्टोक साइलेंसर रखा होता है, स्टोक बैंड रखा होता है, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और उनको अलाउड भी नहीं होता। हम तो जैसे लोकल ही जाते हैं कि हाँ गाँव में चले गए वैसे, हमने इसलिए चेंज करवाया होता है, लेकिन वो नहीं करवाते। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है क्योंकि उनका इंजन बहुत ज़्यादा साफ होगा और उनके शॉकर्स भी अच्छे होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ जब आप आर्मी वाले से या बैंक वाले से ही बुलेट परचेज करें, ठीक है। आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा और इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना, और मेरे को प्लीज़ यार ये बता देना ये दिक्कत है क्या है, दिल पे लग रही है भाई, इधर होता है दिल पे लग रही है भाई ये चीज़। ऊपर से जैसे मैं मर्जी खुश हूँ पॉजिटिव हूँ, लेकिन अंदर मेरे को पता है यार, क्योंकि अगर इसके इंजन को कुछ हो गया ना पता नहीं कितने का फटका पड़ेगा, इसलिए भगवान पर भरोसा ही है ठीक ही रहे। गाइज मेरे को ना अब हो रहा है कि इसमें मैं ना लॉन्ग बोटल साइलेंसर लगवाऊं, अब मेरे को ना ये भी कमेंट में बता देना कि आपको शॉर्ट बोटल ही अच्छा लगता है जब मैं लॉन्ग बोटल साइलेंसर लगवा कर उस पर वीडियो लेकर आऊं, ठीक है, ये चीज़ मेरे को ज़रूर कमेंट में बता देना। चलिए अब इसे फिर से स्टार्ट करते हैं। गाइज साउंड तो गाइज इसकी मस्त बनती है शॉर्ट बोटल के साथ, नो डाउट शॉर्ट बोटल साइलेंसर की ना पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। साइलेंट, कोई टिक टिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ज्यादा देर मत करना इंजन का काम कर देगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल व्लॉग में, जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कल इसका व्लॉग लेकर आएंगे, इसकी पोल खुलेगी कि ये इंजन खराब हुआ है या फिर देखते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।